बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में दो जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। बीएमसी के मुताबिक इंस्पेक्शन के दौरान सलमान खान के घर में तो नहीं, लेकिन उनके बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। इसके बाद बीएमसी ने इमारत में कुछ छिड़काव किए। बता दें कि सलमान खान को कुछ दिन पहले डेंगू हुआ है। डेंगू होने की वजह से सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी जान की शूटिंग रुक गई है। तबीयत खराब होने की वजह से सलमान खान ने बिग बॉस का वीकेंड का वार भी शूट नहीं किया। उनकी जगह करण जौहर ने शो की कमान संभाली है, लेकिन अब सलमान खान धीरे धीरे डेंगू से रिकवर हो रहे हैं। सलमान खान को डेंगू होने की जानकारी मिलने के बाद बीएमसी की टीम पिछले कुछ दिनों से दवा और धुएं का छिड़काव करने के लिए रोजाना गैलेक्सी अपार्टमेंट और उसके आसपास के इलाकों में जा रही है। अब इंस्पेक्शन के दौरान बीएमसी की टीम को सलमान खान की बिल्डिंग में दो अलग अलग जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। डेंगू होने के बाद सलमान खान को बीते दिन पहली बार आयुष शर्मा के बर्थडे पार्टी में स्पॉट किया गया। अब सलमान खान धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो 26 अक्टूबर के बाद से सलमान खान अपनी फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। तबीयत खराब होने की वजह से सलमान खान किसी भी दिवाली पार्टी का हिस्सा नहीं बने। उन्हें फैंस ने काफी मिस किया। फिलहाल सलमान खान पर अपनी बिग बजट फिल्म और बिग बॉस शो की जिम्मेदारी है, इसलिए वो जल्द से जल्द रिकवर होना चाहते हैं। सलमान खान के फैंस उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। बिग बॉस का वीकेंड का वार एपिसोड भी सलमान खान के बिना काफी फीका लगा। कई लोग तो सिर्फ सलमान खान की वजह से ही शो को देखते हैं। ऐसे में हर किसी को सिर्फ सलमान खान के जल्द से जल्द ठीक होकर शो में लौटने का इंतजार है। अब देखते हैं सलमान खान ठीक होकर बिग बॉस का वीकेंड का वार एपिसोड कब होस्ट करेंगे। हम तो यही कहेंगे, गेट वेल सून सलमान खान, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सब आपको मिस कर रहे हैं। सलमान खान की हेल्थ अपडेट जानकर अगर आपको थोड़ी खुशी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।